माता के दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे नए व्लॉग में। और आज तन्नू दीक्षा मेरे मम्मी मेरे पापा जा रहे हैं सालासर खाटू श्याम जी जाके आएंगे। ये सब हो चुके हैं तैयार। ये देखो, ये दीक्षु तैयार हो चुकी है, वहाँ पे तन्नू भी तैयार है और गुल्लू हमारा हमारे साथ रहेगा। ये मेरे साथ है और ये मैं अभी जाऊँगा। तू कैसे जाएगा? तू यहीं पर रहेगा मेरे साथ। और ये रखे हैं हमारे सवा मणि के डब्बे जो प्रसाद बनवाया है। इसमें से कुछ प्रसाद तो हम लेके जाएंगे, वो मेरा मम्मी और मेरा पापा लेके जाएंगे कुछ प्रसाद, तो बाकी सब यहीं पे बांट देंगे इनके आने के बाद। चलो अभी गाड़ी वाले को बोल दिया, गाड़ी वाला आ जाएगा जल्दी से। इसके अंदर कैस्ट पर रखी है अब। हाँ। टेप रिकॉर्डर दोबारा बोलिए दृष्टि कौन सा। मैं भी जाऊँगा। फिट हो रही है यार, फिट है। हाँ, हाँ कोई बात नहीं, चल बेटा। हाँ शाम ने रिश्वत ले, रिश्वत ले गए, रिश्वत ले गए, तैयार होगी, कोई नहीं जाना। चल ठीक है, 20 रुपए हाथ में। हाँ चढ़िए स्कूटी पे। लो जी गाड़ी आ चुकी है इनकी और अब ये जाएंगे पहले सालासर, उसके बाद खाटू श्याम जी। लो जी ये सब तैयार है और चलो भाई, बाय 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 बाय। दोनों बीच में बिठाओगे तो ना। माखी बैठ ली थाने भीतर, फिर काट लियो। चलो अंदर है मम्मी, काला थोड़ा यहाँ पर रखी है। तनु साइड बेटा, चलो बाय बाय बाय। चलो 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 बाय। क्यों नहीं गए? इसको पैसे मिल गए, अब जरूरत नहीं जाने की, रिश्वत मिल गई, अब क्या करना। चल ठीक, तो दोस्तों मैं तो वहाँ भी अपनी लकड़ी वाली दुकान पर, और आज मैंने तैयार करवाए हैं पैलेट, जो वुड पैलेट हम तैयार करवाते हैं पैकिंग के लिए, और ये हमें करवाने पड़े इमरजेंसी में ही। और अब की बार तो इनमें काम इतना फैल चुका है, इतना ज़्यादा हो चुका है, क्योंकि हमें चारों तरफ उनको रंदा लगवाना पड़ा। पहले फट्टी पे क्या करते थे, सिर्फ हमें एक तरफ रंदा लगवाते थे, बाकियों को ऐसे छोड़ देते थे जो तीन साइड होती है फट्टी की। लेकिन अब की बार हमें तीनों साइड मतलब चारों तरफ ही रंदा लगवाना पड़ा, क्योंकि इन पर क्या है कि भी मान लो लकड़ी गिल्ली होती है, तो गिल्ली होने के कारण फफूंद लग जाती है, और वो फफूंद लगी हुई में तो जिस कंट्री में यहाँ शिपिंग जानी थी ना, तो वहाँ पे उन्होंने बिल्कुल इग्नोर कर दिया, बोल दिया कि मैं हमारी तरफ इस तरह की लकड़ी जो फफूंद लगी हुई है वो नहीं आनी चाहिए। तो इस कारण से अभी चारों तरफ रंदा लगवा के और इमरजेंसी में ये पैलेट तैयार करवाए हैं, और उनको अभी आधे ही पैलेट भेजे मैंने, और आधे शाम तक जल्दी जल्दी तैयार करवा के भिजवाने पड़ेंगे, क्योंकि कंटेनर रेडी खड़ा है उनका, और फिर उसके बाद कंटेनर लोड होगा, फिर शिप में जाएगा, तो काफ़ी लंबा प्रोसीजर हो जाता है, 2-2.5 महीने तो शिप को पहुंचने में लगते हैं जहां पे उसको जाना है। तो चलिए अभी एक बार जल्दी जल्दी पहले ये तैयार करवाता हूं, इनके वजह से मेरे दरवाजों का काम भी बीच में रुक चुका है। इनको तैयार करवाने के बाद फिर और कुछ काम नहीं छेड़ेंगे, सिर्फ सबसे पहले दरवाजों का काम कम्प्लीट करेंगे हम।